यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एकदम न्यू रेसिपी। और देखिए, आज हम बनाएंगे अरबी, हम बनाएंगे अरबी की सब्ज़ी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होती है और बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो हम बनाएंगे अरबी की सब्ज़ी। और देखिए, अरबी जो है मैंने बड़ी वाली अरबी ली है, तो उसे मैं पहले छील लेती हूँ। और सुबह का जो नाश्ता है हमारा वो हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और उनके स्कूल जाने के बाद हम कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। तो जो सब काम थे घर के वो कर लिए हैं मैंने, अब खाना जो है मैं दोपहर का बना रही हूँ। तो पहले हम अरबी को अच्छे से छील लेते हैं। हमने अरबी को जो वो अच्छे से छील लिया है और इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। हम आलू की तरह काट रहे हैं, जिस तरह से हम आलू के पीस काटते हैं उस तरह से काट रही हूँ। आप चाहें आप गोल गोल में शेप में भी काट सकते हैं। और इधर मैंने ले लिया है लहसुन और प्याज, और इसे अच्छे से हम काट लेते हैं। और मैंने लहसुन का छिलका नहीं उतारा है क्योंकि मैं इसे सिलबट्टे पर पीसूँगी, तो इसे इसी तरह से पीसूँगी मैं। तो मैंने पहले प्याज को कट कर लेती हूँ, और अब चलते हैं सिलबट्टे की तरफ। और देखिए, इस तरह से मैं पहले इसको पीस लेती हूँ। देखिए, हमारा मसाला जो अच्छे से पिस चुका है, प्याज और लहसुन। और इधर चलते हैं और चूल्हा कर देते हैं चालू, क्योंकि मैं बनाऊंगी भगोने में और कुकर में नहीं बनाऊंगी आज मैं। कुकर में बनाती तो कम से कम 2 सीटियों में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, तो आज हम बनाएंगे भगोने में और बहुत जल्दी बन के तैयार होगी ये भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और तो चलते हैं इसे बनाने। तो मैंने एक रख दिया है भगोना। अब भगोने में डालेंगे तेल, ये सरसों का तेल है। और अब डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हमें भूनना है, जब सुनहरा कलर आ जाए तो थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे। तो पहले हम हींग डाल देते हैं थोड़ी सी, और देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। और अब डालेंगे जो पेस्ट बनाया था हमने, लहसुन और प्याज का पेस्ट, इसे भी डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं अच्छे से हम। और अब डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही सब बेसिक मसाले होते हैं, ये मसाले मैं डालूंगी इसमें। और इसे अच्छे से पानी में घोल के डालें आप चाहें, मैं ऐसे ही डालूंगी और थोड़ा सा पानी इसे ऊपर से डाल दूंगी। और देखिए, इस तरह से मैंने मसालों को डाल दिया है। अब डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से भून लेती हूँ पहले मैं। देखिए, हमारा मसाला जो अच्छे से भून चुका है। और अब डाल देते हैं अरबी। और ये देखिए, हमने अरबी डाल दी है और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और मिलाएंगे इसे अच्छे से। पानी थोड़ा कम लग रहा था, मैं थोड़ा और डालूंगी। और अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और मैं बनाऊंगी इसके साथ पानी की रोटी, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है इससे, तो मैं पानी की रोटी बनाऊंगी। और हमारी जो सब्ज़ी है लगभग वो तैयार हो ही चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारी सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है, देखकर ही लग रहा है कितनी अच्छी है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है।
तो हमने सब्जी को अलग रख दिया। अब सेकेंगे हम रोटियाँ। रोटियाँ एकदम गरम गरम सिकी हुई चूल्हे पे, और फिर इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप सभी को चूल्हे की रोटी कैसी लगती है। तो देखिए हमने रोटियां शुरू कर दी हैं सेकनी। रोटियां सिक चुकी हैं हमारी, और अब देखिए हम पर्स लेते हैं रोटी के लिए। और देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, और खाकर भी बहुत अच्छा लग रहा था इसे। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्लॉग वीडियो बनाऊं क्या, रेसिपी वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।